नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, अक्सर करके हम बॉलीवुड में देखते हैं एक बंदा जो कि हमेशा हमें विलन बना हुआ नजर आता है और उसका नाम है सोनू सूद। जी हां, आपको बता दें कि सोनू सूद अक्सर करके बॉलीवुड की तमाम फिल्मों में हमें नजर आते हैं सिर्फ और सिर्फ एक विलन बने हुए। और इसके बाद दोस्तों लोगों को इनको विलन का काम करते हुए देखकर काफी गुस्सा भी आता है। लेकिन लोगों के ख्याल सोनू सूद के प्रति तब बदल गए जब 2020 में पूरी दुनिया महामारी से परेशान थी, पूरी दुनिया अपने घर में थी और किसी को खाने को भी नहीं मिल रहा था। उस टाइम पर सोनू सूद ने लोगों की मदद करना चालू किया। इसके बाद पता चल सका कि सोनू का दिल कितना बड़ा है। और आपको बता दें कि आज सोनू सूद के ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में फॉलोअर्स हैं और लोग इनको दोस्तों साल 2020 में सबसे ज्यादा चाहने लग गए हैं, क्योंकि सोनू सूद उस टाइम पर लोगों के काम आए जिस टाइम पर दुनिया पूरी तरह से बीमारी से ग्रसित थी। लेकिन आपको बता दें कि सोनू सूद की तरफ से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोगों के रियल लाइफ के हीरो बनने के बाद अब प्रोड्यूसर बनने की तैयारी में है सोनू सूद। जी हाँ, आपको बता दें कि सोनू सूद बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन साल 2020 उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है। वह गरीबों के मसीहा बन गए। लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने आगे आकर लोगों की मदद की, उससे लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लग गए हैं। वह उनके रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं। इन सब के बीच अब सोनू सूद प्रोड्यूसर बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, फाइनल स्टेज की मीटिंग हो रही है। उम्मीद है कि अगली बार मैं एक्टर प्रोड्यूसर के साथ टैग के साथ नजर आऊंगा। सोनू सूद ने बताया कि मैं उन स्क्रिप्ट पर ध्यान दे रहा हूं जिन पर मुझे विश्वास है, जो लोगों को प्रेरणा दे, जिनका मैं हमेशा से हिस्सा रहना चाहता था। लॉकडाउन में प्रवासियों के लिए मसीहा बनकर आए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद आज भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके इस बेहतरीन काम की दुनिया भर में लोग तारीफ कर रहे हैं। हम इस नेक काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाने वाला है, ऐसा कहना है लोगों का। बता दें कि सोनू सूद को नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है कि सोनू सूद को उनके अच्छे काम की वजह से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मानवतावादी पुरस्कार 2020 का सम्मान भी मिल रहा है। सोनू सूद को इस अवार्ड से 30 दिसंबर को नवाजा जाएगा। यह वर्चुअल इवेंट होगा। लॉरेंसको ओस्लो के मेयर सोनू सूद को इस खास अवार्ड से सम्मानित करेंगे। सोनू सूद ने बिना अपना फायदा नुकसान देखे लोगों की मदद की है और करते आ रहे हैं। वो लोगों के लिए प्रेरणा देने वाले बन चुके हैं, जिनके बाद उन्हें यह सम्मान देने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, ना सिर्फ सोनू सूद ने इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में हर किसी का दिल जीता है और उन्होंने ये दिखाया कि जब लोग काफ़ी परेशान रहते हैं उस टाइम पर हमारे पास एक मौका होता है कि हम अपना बड़ा दिल दिखाएं और लोगों की मदद करें, जिससे कि लोग भी आपको एक बड़ा इंसान मानने लग जाएं। और सोनू सूद ने वो करके दिखाया है। उन्होंने उस टाइम पर लोगों की मदद की जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उस टाइम पर सोनू सूद को एक अपॉर्चुनिटी दिखी लोगों की मदद करने की और उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। इतना ही नहीं, ऐसी भी खबरें आई थी कि सोनू सूद ने उधार तक ले लिया था लोगों की मदद करने के लिए। इससे पता चलता है कि सोनू सूद ने रियल में ही अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचते हुए लोगों की मदद की, जिससे कि सोनू सूद आज पूरी दुनिया में लोगों के लिए भगवान भी बन चुके हैं। खैर, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सोनू सूद का ये जो प्रोडक्शन हाउस खुलने वाला है, इस बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।